एक माँ अपने बेटे से मिलकर हमेशा खुश होती है। एक माँ ही है जो अपनी संतान की उन्नति के लिए निस्वार्थ ईश्वर से प्रार्थना करती है। आखिर मौसी भी तो माँ ही होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी मौसी सरोज बिष्ट से मुलाकात की तो मौसी की खुशी से आंखें भर आईं। बेटे से मिलकर आई मौसी की चमक देखते ही बन रही थी। बुधवार को सीएम योगी सहारनपुर दौरे पर थे, जहां सीएम योगी ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से मुलाकात की। इसी बीच सीएम योगी ने सहारनपुर में रहने वाली अपनी सगी मौसी से मुलाकात की। 5 मिनट मिले, वो मेरे परिवार के बारे में पूछा, कैसे हैं, क्या है, सब ठीक है, इतना ही पूछा जाता है। बच्चों से भी मिले? आप बच्चों से भी मिले? उनको कुछ दिया? चॉकलेट दी। पूछा है उनके क्या नाम है, पढ़ते हो, कौन कौन क्लास में है, ये पूछा। बाद में चॉकलेट तो जिस भी देश में जाएंगे बच्चों को चॉकलेट बड़े प्यार से बोलते उठा उठा के देते हैं। सीएम योगी ने अपनी मौसी से मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना। वहीं बेटे से मिलकर मौसी सरोज बिष्ट की खुशी देखते ही बन रही थी। सीएम योगी की मौसी ने उनकी तरक्की के लिए आशीर्वाद दिया, साथ ही योगी के पीएम बनने की कामना भी की। सीएम योगी की मौसी ने सन्यास से लेकर सिंहासन तक के सफर में जिस बात का जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं सीएम योगी की छवि में झलकती है। सरोज बिष्ट ने बताया कि योगी आदित्यनाथ हमेशा अपने परिवार से ज्यादा प्रदेश के लोगों की चिंता करते हैं। वो हमेशा लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और तरक्की को लेकर फिक्रमंद रहते हैं, जिसकी झलक उनकी कार्यशैली में भी देखने को मिलती है।